यार मुझे जाना है लाड़काना, मेरे दोस्त की शादी है। लेकिन मैं तो कभी कराची से बाहर गया ही नहीं। अब इस सिचुएशन में मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे दोस्त करेंगे। तो अब इस कहानी में चार कैरेक्टर हैं, बाद सदा, अबड़ो साहब और मैं। जाने का मामला तो निमट गया, लेकिन तैयारी करनी भी बाकी है, जो कि मुझे करनी है। तो अबड़ो साहब के पहुंचने के बाद वी आर वे टू लाड़काना। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि फाद अपनी वेलो रखना भूल गया और उसकी वेलो के चक्कर में हम हाईवे पर वेलो की तीर घूम गए। खैर, वेलो मिलने के बाद M9 मोटरवे से जाते हुए पेरियर टाउन के नज़ारे, टोल का कॉन्ट्रीब्यूशन और कुछ ही देर में हैदराबाद पहुंचना था। लेकिन हमें यहाँ से जाना था लेफ्ट, लेकिन हम निकल गए सीधा। और अब हमें ये पूरा इंटरचेंज घूम घूम के जाना पड़ा। वेलकम टू हैदराबाद। नफाक साहब भी हमारे साथ पानी के गम में शरीक हुए। अब हमें चाहिए था पानी, कुछ खाने पीने की चीज़ें, और फिर जब टक शॉप पर आ ही गए थे तो हमने सोचा पेट्रोल भी डलवा लिया जाए ताकि बाद में रुकना ना पड़े। और अब हमें करनी थी मंजर कशी, नहीं, तलाई यूनुस वाली नहीं, अली जफर वाली। तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले जैसे मेरे दोस्तों ने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, चले आओ पहाड़ों की कसम, टूटे हुए रोड। तो भाई यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज देता हुआ जाता हूँ। अगर तो आप सिंगल हो और अपने दोस्त की शादी पे जा रहे हो, तो ऐसे सफर में और ऐसे नज़ारों में ऐसे गाने सुनने से गुरेज करें, वरना भाई साहब जो नहीं है ना, उसकी भी बहुत शदीद याद आ जाएगी आपको। तो गए फिर हम लोग यहाँ पे रुके, कुछ तस्वीरें खींची, नज़ारे देखे और फिर रवाना हो गए। मेहर पहुँच गए थे। मेहर पहुँचने के बाद अबड़ो साहब के घर पर है, ये अबड़ो साहब का घर है, अबड़ो साहब ये रहे। अबड़ो, अच्छा अबड़ो बिजी है, फोटोग्राफर लीड फोटोग्राफर, लीड फोटोग्राफर। और जरा सदा एक शार्ट है, वो जरा नहाने तैयार होने शायर होने गया हुआ है। इतनी देर में हम लोग तो हो गए, अब वो आ जाए तो फिर निकलते बस। अबड़ो साहब गाड़ी खराब करके बैठी है, अरे अबड़ो इसकी काली दबा। फाइनली फ्रेग्रेंट हॉल। और भाई साहब फिर हमारे जितने मसले थे, हमारी जितनी टेंशन थी, हमें जितनी थकावट थी, वो सब खत्म। मतलब भाई सिर्फ इसे एक नज़ारे को देख के मैं पूरा दिन इंतजार किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी मुलाकात सिर्फ 5 से 7 मिनट हुई है,
और उसके बाद हम चले गए थे क्योंकि उसको भी रुखसत होना था, मतलब यार उसको रुखसत करके जाना था अपनी बेगमपुर, तो वो भी लेट हो रहा था और फिर हमें भी जाना था चाय पीने और सोने। यार रात को बड़ो साहब के घर पे स्टे किया था, अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि डायरेक्ट घर नहीं जा रहे। भाई सबको बता दिया गया था, आपको अलग से इनविटेशन आएगा नहीं, मतलब यासीन ने कार्ड भेजा, इसका ये मतलब नहीं है कि सबको जो है अभी वो रनी कोट के लिए भी, अरे बता दिया। अच्छा अभी हम जा रहे हैं रनी कोट, और मतलब कोई ज़्यादा ऐसा घूमेंगे ज्यादा नहीं, मतलब अंदर गहराइयों में नहीं जाएंगे। निकलने वाले यहाँ से अपड़ो साहब के घर से, अपड़ो साहब के घर से सीधा रनी कोट। जी बरामी बना यार, भाई अपड़ो साहब ने गाड़ी फिर खराब कर दी है। भाई असल में गाड़ी खराब नहीं हुई, सलून में घूमने का शौक है ये रोडों पे, मैं इनको बोल रहा था भाई गांव में बैठते हैं गाड़ी बनवाते हैं, नहीं 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 दो घंटे बहुत ज्यादा लगेंगे। तुम क्या बातें कर रहे हो चाय की, तुम्हें क्या पता है? भूखे बढ़िया है पति बैठन ला। और यहाँ हुआ तीसरा फाउल, हमारा रनी कोट का प्लान कैंसिल हो गया। भाई सूरज ढलने वाला है, उधर जाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अपना साहब ने जो है जिद लगाई है। नहीं नहीं ना भाई, गलती मने तो सरकारी बाउंड्री है घणो इते, ये वाला सरकारी ना है। तो बात कुछ यूं कि गाड़ी खराब होने की वजह से हमें सही लेट हो गए थे और फिर चाय पीने भी रुक गए। अब रनी कोट जाने में इतना टाइम है नहीं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम कराची के लिए निकलेंगे। और फिर फाइनली वेलकम टू कराची, डू नॉट जी अपरो मानू आ कि अल्टो गाड़ी आ। थैंक्स टू अपरो साहब, फारी के लिए शुक्रिया, किसी को भी ड्राइविंग नहीं आती, आराम करो। Thanks to Fatherful. So, thanks to all of you guys. मतलब specially thanks to Abro साहब, घंटों गाड़ी चलाना, घंटों के मतलब पूरा दिन ही गाड़ी चलाना आसान नहीं है। और यार मुझे अभी भी याद आया कि इस पूरी वीडियो में इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है। खैर अगली वीडियो में करते हैं आपके साथ।